हजार वाली सीरीज के एपिसोड 4 के लिए हम आज पहुंचे खारादर फूड स्ट्रीट पे। जानना यह है कि इस दौर में हजार में खारादर से कौन कौन सी और कितनी चीजें लपेट सकते हैं। हमारी उम्मीदें हैं 1900 की दिहाई वाली, पर सामने खड़ा है 2023 का दौर। देखते हैं कि हमारी उम्मीदों के होते हैं मीनार खड़े या रह जाते हैं इरादे धरे के धरे। अगर आपके पास भी है मेरी तरह सिर्फ हजार और खाना चाहते हो चीजें मुख्तलिफ और बेशुमार, तो फिर किसी सूरत इस वीडियो को अपनी नजरों से ओझल मत करना। तो आइए अपने रिवायती अंदाज में आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जनाब, अपने आज के हजार रुपए का खात्मा करने के लिए हम लोग अपने सबसे पहले टीए पे चलते, क्योंकि रश तो इधर बड़ा दिख रहा है। चल के देखते कि भाई क्या माजरा है, ऐसी क्या चीज बिक रही है, क्या कोई तावीज दिया जा रहा है, कोई खाने की चीजें, इतना बड़ा रश लगा पड़ा है। तो भाई ये रश है इसहाक भाई के बन कबाब पे। आज सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं इसहाक भाई के बन कबाब से। फेंटा फेंटी लगी पड़ी, यहाँ पे अंडे फेंटे जा रहे हैं, वहाँ पे बन कबाब तैयार हो रहे हैं। ये दाल अंडे का कबाब है और साथ में ये बन में लपेट के दाल अंडा बन कबाब बना के दिया जा रहा है। और अभी खा के इसको देखते हैं भाई ये कैसा है टेस्ट में। भाई ये आगे हमारी दो प्लेट दाल अंडा कबाब की और बन की। और कोई भी कराची में फूड स्ट्रीट ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको बन कबाब ना मिले। तो अभी खारादर फूड स्ट्रीट के बन कबाब का टेस्ट देखते हैं कि कैसा है। गर्मा गर्म बन है, बहुत ही सॉफ्ट। और ये आ गया दाल अंडा, गोल दाल रहा है लेकिन यहाँ शक्ल से तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बीफ की है। चटनी आ गई, ऊपर से ये प्याज आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है दाल अंडा लेकिन थोड़ा बहुत आपको बीफ वाली फीलिंग दी आएगी, ऐसा लगेगा जैसे बीफ पीस के अंदर डला हुआ है। लेकिन अगर दाल अंडे में ये टेस्ट है तो यार बीफ वाले को तो फिर भी टक्कर दी है। लेकिन जो बात है बंस रोड पे जो हम लोगों ने खाया था ना, उसकी टक्कर नहीं है, उसकी फिर अलग ही बात है, वो तो फिर लाजवाब है। लेकिन नो डाउट ये भी बहुत अच्छा है। और भाई ये दो बन और ये एक कबाब ये आपको मिलेगा 60 रुपये, और हम लोगों ने दो प्लेटें मंगाई हैं, इसके टोटल बने 120 रुपये। दो प्लेट बन कबाब की मद में हमारे 120 रुपये चले गए हजार के नोट में से। पीछे हमारे पास कितना बच गया, 880 रुपये। बहुत पैसे भाई, अभी हम लोग बहुत कुछ खाएंगे। चलते चलते हमारी नजर पड़ गई खाउसे पे। तो माजिद खाउसा खाउसो, चलो आउसो। तो जनाब इसी सिलसिले में हम लोग पहुंच गए हैं काठियावाड़ी खाउसा पे, और खाउसा यहाँ का खा के देखते हैं कि भाई टेस्ट क्या है और कितने का आता है। ये तो फिर आपको बाद में बताएंगे कि हजार रुपए में से ये हमारे कितने पैसे ले उड़ा। और ये खाउसा आपको मिलेगा खारादर पे पाव भाजी, मुंबई पाव भाजी की शॉप पे। तो भाई ये आ चुके हैं खाउसा मैन। चलो भाई हमारे लिए खाउसा तैयार करो, पर एक जबरदस्त सा खाउसा होना चाहिए। ये सबसे पहले क्या डाल दिया आपने, स्पेगेटी। ये आ गई भाई फ्रेश फ्रेश स्पेगेटी। ये गर्मा गर्म क्या आ गई भाई, कड़ी। ये भाई कड़ी आ गई। ये आ गया भाई, क्या आ गई हमारी, ये आ गई चिकन, आ गई कुकड़ी, आ गई हमारी कुकड़ी। ये आ गया भाई चाट मसाला। ये आ गई कड़क कड़क पापड़ी। हाँ ये कौन से आलू के चिप्स है, ये लेस पापड़ है क्या, लेस। दोबारा से कड़ी आ गई इसके अंदर, हरा धनिया। हरा धनिया के बाद आ गया ये ऊपर से नींबू। ये आ गया जी अपना गर्मा गर्म खाउसा, बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ जल रहे हैं, जल्दी करिए, पकड़ पकड़ पकड़। ये आगे हमारा सेटअप, दो कुर्सियां, ये खाउसा। लेकिन बात ये कि इधर एक परेशानी है कि ऊपर से पार्सल भी आ जाते हैं, ख्याल करना भाई, अभी नहीं भेज देना पार्सल, हम लोग खा के यहाँ से चले जाए फिर पार्सल फेंकना। ये देखें भाई कितना खूबसूरत है, ये कैसा जबरदस्त बनाया है, कितना क्यूट लग रहा है ना। सिर्फ क्यूट लगना ही काफी नहीं है, इसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। ये लीम ऊपर पड़ा हुआ है, बेचारा तरस आ रहा है कि यार क्यों ना इसको भी निचोड़ के इसके अंदर डाल दिया जाए। इंतहाई गर्म है, ये देख रहे हैं धुएं उठ रहे हैं। और ये आप बाउल चेक कर रहे हैं कितना बड़ा है, ये अकेले बंदे के खाने की बात नहीं है भाई, ये दो बंदे खाएंगे या तीसरा भी थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ढाई बंदे खा लेंगे इसको। कड़ी इतनी कोई जबरदस्त बनी हुई है, कड़ी के अलावा भी कितनी चीजें इसके अंदर ऐड की हैं, ऐसा कुल मिला के उन्होंने मजा दिया ना। खट्टा खट्टा ऊपर से जो मैंने नींबू निचोड़ के अंदर डाला ना, उसने तो भाई 80-20 कर दिया। 80-20 मतलब 100। चिकन का जो सालन बना हुआ था उसका एक अपना अलग जबरदस्त सा टेस्ट है, फिर ऊपर से कड़ी और पापड़ी वगैरह सब ने मेल मिला के जो टेस्ट बनाया है ना इसका, बहुत लाजवाब टेस्ट है भाई। अच्छा आप मुझे ये बताएंगे कि असल में ये कहाँ का फूड है ये खाउसा? खाउसा बेसिकली ये बर्मा का फूड है। अच्छा, और पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाली ये बर्मी मेमन कॉम बर्मा से जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आई है, उन्होंने ये खाउसे को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। बड़ी अच्छी चीज ही मुतारिफ कराई उन्होंने, बहुत मजा आया खाउसा खा के।
आपकी दुकान का खाउसा तो फिर बहुत ही लाजवाब था, हमें टेस्ट में बहुत ही मजा आया। थैंक यू। रेट सुनने के लिए बेताब होंगे कि भाई 1000 रुपए में से कितने गए, तो जनाब ये खाउसा हमारे 1000 रुपए में से 350 रुपए ले उड़ा। तो अब हमारे पास कितने बचे? 530 रुपए मेरे, 570 रुपए, 470 रुपए हमारे चले गए। अब हमारे पास रह गए हैं 530 रुपए। क्या ख्याल है माजिद, हो जाएगा? कोई मसला ही नहीं है। कैसे बोल रहा है, हो जाएगा? अबे 5300 थोड़ी है, 530 रुपए। 530 पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, पाकिस्तान में तो आजकल मसला है। कोई मसला ये भाई, ये छोटे हमारे फैन है, कोई है ना, दम है भाई, दम है भाई, दम है। अरे हाँ यार, टिकटॉक अभी तो खैर यूट्यूब चल रहा ही है, दम है भाई, दम है। क्या बच्चे में भी दम है यार, यहीं के रहने वाले हो, लग भी यहीं के रहने वाले रहे हो, माशाल्लाह जबरदस्त। फलाना खा रहे हो, सब कुछ खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो माजिद ये बताओ आप क्या मूड है भाई, तुम कोई बम फोड़ने की बात कर रहे थे, कोई बम वगैरह? बम? अबे बम फोड़ने की बात नहीं कर रहा था मैं, पिज्जा बम की बात कर रहा था। अच्छा, पिज्जा बम, ये हाँ। कैसा बम है? तो ये अभी मैं दिखाता हूँ ना ये कैसा बम है। माजिद तुम्हें पिज्जा बम के लिए मिस्टर फ्लेवर पे आना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताता चलूं कि ये है बड़े फ्राई किया जाता है। ये आप मोटी कचोरी नुमा जो चीज आप देख रहे हैं, ये है असल में पिज्जा बम, और इसके अंदर ही सारा माल मवाद छुपा हुआ है। अभी ये ग्रिल में डाल के इसको जो ना फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिया जाएगा। तो आओ जरा वो भी दिखाते हैं आपको, जो भी तैयार करो भाई। इसको ऑयल में डुबकी लगा दिए, कितनी देर में फ्राई हो जाएंगे ये? 4 से 5 मिनट में भाई कह रहे हैं ये फ्राई हो जाएंगे। सर इस बॉम पिज्जा के अंदर क्या क्या छुपा रखा है आपने? इस बॉम पिज्जा में चीज, चिकन और ये पिज्जा के दो में बना हुआ है, भी है इसमें, जो जलेबी में चीजें भी डाली हुई है, शिमला मिर्ची, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो भाई ये बॉम पिज्जा फ्राई होके आ चुके हैं, उसके ऊपर एलोपिनो रख दिए गए, ये आगे भाई ऊपर से सॉस। ओए होए होए, बॉम पिज्जा आपके सामने ये रेडी हो चुका है। बॉम पिज्जा का बॉम फाड़ते हैं, इसको बीच में से तोड़ते हैं, ओए होए होए, अंदर से ओए होए होए माल मवाद अभी से बाहर आने लग गया है। हाँ 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 हाँ, तो फुली लोडेड है भाई, क्या क्या माल मवाद डला हुआ है इसके अंदर, अच्छी खासी क्वांटिटी में चीज डला हुआ है इसके अंदर, चिकन वगैरह है, एलोपिनो है, शिमला मिर्च वगैरह है, ऑलिव भी इसके अंदर डले हुए हैं। सारे माल मवाद को ऊपर उठा के जो है ना टेस्ट करके देखते हैं, गरम तो ये बहुत है। दम है भाई, दम है। ये बॉम एक सरप्राइज है, और ये फट के नहीं बल्कि खुल के सरप्राइज देता है। जब ये खुलता है तो आपको सरप्राइज मिलता है, बिल्कुल ही फुली लोडेड था चीज से, जस्ट लाइक चीजी पिज्जा जो होता है वैसा था, लेकिन अच्छा चीजी पिज्जा जो होता है वैसा इसका टेस्ट था, बहुत ही यम्मी, बहुत ही फ्रेश। और इसके डो की बात करूं तो काफी क्रंची है। ये आपको सिंगल पीस में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा दो पीस में। इन दो पीसों का रेट है 450 रुपए, 450 रुपए में दो पीस, नॉट बैड। 530 रुपए में से हमारे 450 रुपए मुक गए, अब पीछे हमारे पास कितने बच गए? 80 रुपए। 80 रुपए। तो माजिद अब क्या मूड है यार? खाया तो बहुत है, अब मैं चाह रहा हूँ कुछ पी लें। तो मेरे बच्चे तेरे चाहने से क्या होगा, 80 रुपए में तो कुछ खा भी नहीं पाएगा, गजब बेइज्जती है। 80 रुपए में हमें दो गिलास क्या पीने को मिलेगा, हमें कौन देगा भाई? ये ख्वारी का वक्त अब हुआ चाहते है, अगर ख्वार होना पड़ेगा, 12000 में ढूंढना पड़ेगा कि 80 रुपए में दो गिलास हमें कहाँ से मिलते हैं। एक उम्मीद की किरण जागी है, आओ मैं तुम्हें वो किरण दिखाता हूँ। दिखाओ यार, कौन सी किरण है? उम्मीद की किरण। हाँ वही, मैं भी उम्मीद की किरण। उम्मीद की किरण भाई, तो किरण नहीं, मुझे फातिमा दिखा। मुझे लग रहा किसी ने वीडियो में नाम लेने के लिए बोला है तुम्हें, ऐसा हो सकता है। अच्छा अच्छा, चलो किरण ही दिखा, किरण ही दिखाते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। हाँ तो व्यूअर्स, ये रही किरण उम्मीद की। भाई साहब आपके सामने ये किस चीज का जूस रखा हुआ है? भाई ये मैंगो का जूस है, मैंगो का जूस है। सुनो मेरे पास रह गए हैं बाकी 80 रुपए, क्या 80 रुपए में हम दोनों को गिलास मिल जाएगा, हम दोनों प्यासों को? जी भाई बिल्कुल मिलेगा, इससे कम का मिलेगा आपको, आप मेरे पास खड़े हैं। इससे कम में मिलेगा? 80 रुपए से कम में दो गिलास? जी जी बिल्कुल। अबे यार फटाफट कर दो, आगे बातें नहीं करनी, वरना तुम रेट हटा बढ़ा दोगे हमें। ये देखो भाई, ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश मैंगो का जूस 30 रुपए गिलास, लाउती का ऐलान है 30 रुपए गिलास है, लाउती का ऐलान है 30 रुपए गिलास है, VIP शरबत कॉर्नर, मैंगो का जूस छोटा गिलास 30 रुपए, बड़ा गिलास 50 रुपए, हम लोगों ने ढूंढ निकाला। छिलके भी साथ में डाल दिए, जायका है, एक जायका और दूसरा सबूत भी, ताकि लोगों को यकीन आए कि भाई 30 रुपए में मैं आम का गिलास ही दे रहा हूँ।
आम के जलवे, आम के जलवे, ये आम जलवे नहीं, आम के बड़े खास जलवे हैं ये। आखिरी आखिरी ना, अगले साल नहीं तो मौसम के हिसाब से कोई और फिर लगाओगे या फिर सब कुछ लगेगा। 30 रुपए का गिलास आम का। वीडियो बनाते रहना, मुझे होंठों से नीचे उतारने को दिल नहीं कर रहा। वो जो सब खाया था ना, उन सब पे ही अकेला भारी पड़ गया। इतना भारी था कि उन सबको नीचे ले गया। क्या मजेदार यार, 30 रुपए का, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बिल्कुल प्योर है। सीने की रुकावट, सीने की जलन, बदहजमी सबका खात्मा करेगी ये 30 रुपए का गिलास, आम का गिलास। बोल इंजॉय चल रहा है, एंजॉय इसलिए चल रहा है क्योंकि ये आम को अलविदा कहा जा रहा है, क्योंकि अभी आम जाने वाला है, आखिरी दिन रह गए। आखिरी भाई आप ये बताओ, पीकर वीडियो वगैरह सेट पे करके आप ये बताओ टेस्ट कैसा लगा? पी के बताऊं? 30 रुपए में। अबे 30 रुपए के हिसाब से ना भाई एंड कर दी, बोला तुम एंड कर, मुझे लग रहा है अपने आम के बागात है तुम्हारे, लग रहा है जब इतना सस्ता बेच रहे हो यार, आम के बागात है तुम्हारे। यार हम लोग जो महंगाई है ना, महंगाई चलती है उसके आज से बेचते हैं, क्योंकि ताकि सब काम नहीं है। अगर आम खा ना सके तो पी लाजमी सके। आम के रेट तो भारी करती है, लेकिन हम लोग आम का जायका 30 रुपए में लोगों को पिला रहे हैं। तुमने इस आम को आम ही रहने दिए, खास नहीं होने दिए, क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं 30-30 रुपए खर्ची लेकर, एंजॉयमेंट हो जाए तो चलो शरबत जबरदस्त ठंडा ठार शरबत, ठंडा ठार, क्या बात है भाई, दिल जीत लिया तू। 80 रुपए में से 60 रुपए चले गए, बाकी बचे 20 रुपए। अभी जब तक हम लोग इन 20 रुपए का बंदोबस्त करते हैं, आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। लेकिन एक बात ये भी है माजिद कि पैसे इंसान के पास ना हो तब भी मसला, अगर पैसे हो तब भी मसला। अब इस 20 रुपए का हम क्या करेंगे, 20 रुपए जो बचे इसमें से क्या लेंगे हम लोग? लगता है भंसरोड की तरह दुआएं लेनी पड़ेंगी 20 रुपए, दुआएं लेनी पड़ेंगी 20 रुपए। और इधर तो दुआ देने वाले बहुत घूम रहे हैं आजू बाजू, तो भाई 20 रुपए की सबसे सस्ती आजकल मिल रही है दुआएं, तो बच्चों को देकर जो है ना हम लोग 20 रुपए की दुआएं ले रहे थे। बच्चे दुआ करना हमारे लिए सही है, बस चलो भाई हम लोगों ने दुआएं ले ली और इसी दुआओं के साथ हम लोगों ने अपने 1000 रुपए का खात्मा किया। तो यार देखने वालों आप बताओ, क्योंकि आप सही से जज कर सकते हो, हमें तो नहीं अंदाजा हो रहा कि आया खारा दर को हम लोगों ने लूटा या खारा दर ने हमें लूटा। और ये 1000 रुपए वाली सीरीज आपने पहले भी देखी होगी हमारी, कि हम लोग कहाँ का किस किस फूड स्ट्रीट में 1000 रुपए खर्च करके आए, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये फूड स्ट्रीट उस हिसाब से सही है या बाकी वाली इस हिसाब से ठीक रही थी। तो वीडियो को जरूर लाइक कमेंट और शेयर भी करना है वीडियो को, और आपके साथ मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, क्योंकि हम लोग ये व्लॉग यहीं पर तमाम करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।